So I'm officially at the Meta office. So hi guys, what's up? It's me Arif Sheikh and welcome back to my channel. I hope you're all doing absolutely fine. So yes, after a very long time मैं vlog डाल रहा हूँ due to some reasons और मैं inactive due to some reasons मैं inactive था YouTube पे and वैसे भी मेरे पास YouTube पे post करने के लिए कुछ नहीं रहता है और वैसे मेरी life इतनी luxurious नहीं है जो मैं आपको daily content दूँ YouTube पे. बट कुछ कुछ ऐसे दिन आते हैं जो एक मिडिल क्लास बॉय को लग्जूरियस फील कराते हैं. वैसा ही आज हो रहा है. मैं जा रहा हूँ मेटा के ऑफिस में, मतलब जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब एक ही चीज़ है, वो एक चीज़ मिलके मेटा बनता है. सो मेटा का जो ऑफिस है वो यहाँ मुंबई में है, बैंड्रा में, एंड वहाँ हमारा एक इवेंट है. इवेंट ये है कि क्विक स्टाइल करके कुछ डांसर्स है नॉर्वे से, वो आ रहे हैं मेटा में एंड हमें वहाँ का इन्विटेशन आया है. सो हम जाएंगे, देखेंगे कैसा रहता है कैसा नहीं, और आप लोगों को भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता कैसा है ये सब इंस्टाग्राम का ऑफिस वगैरह ऑफिशियली जो चीज़ है. एंड इससे पहले भी मैं जा चुका हूँ. आई मीन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मेरा जो कटरीना कैफ के साथ जो मेरा इवेंट था वो वही वाले ऑफिस में हुआ था, लेकिन तभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था. अभी न्यू फ़ोन है एंड क्वालिटी भी है, कंटेंट भी है. सो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. सो फिलहाल तो अभी हम सैलॉन जाएंगे क्योंकि ये हालत लेके मैं नहीं चाहता कि एक बड़ा इवेंट मैं अटेंड करूँ. सो ये सब क्लीन कराएंगे, बाल बाल सेट कराएंगे एंड देन घर आएंगे, फिर आउटफिट डालेंगे एंड फिर जाएंगे इवेंट पे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, सो बाल पे तो काम हो गया था, चेहरे पे थोड़ा काम बचा था, तो घर आके ये फेस पैक लगाया है मैंने, जस्ट मिडिल क्लास थिंग्स, और मम्मी ने भी लगाया है. सो तुम्हारा थोड़ा गंदा लग रहा है. सो या अभी रेडी होएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे, तो इसको धोते हैं पहले. तो अभी रेडी होएंगे और इसको वॉश करेंगे एंड फिर निकलेंगे. तो या ओके जी, पूरा रेडी होके अभी निकल रहे हैं एंड शूज आउटफिट वगैरह डाल लिया है. अभी सिर्फ जाना है एंड देखना है क्या है क्या नहीं, तो जाते हैं. तो ठीक है, निकलते हैं. चलो मम्मी मैं जा रहा हूँ, चलो अस्सलाम वालेकुम. या अल्लाह हिफाजत कर. चलो चलो निकलते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नीचे मिलते हैं. तो आई एम ऑफिशियली एट द मेटा ऑफिस. अगर किसी ने आपको ब्लॉग किया, अनब्लॉग मतलब अगर किसी ने आपको ब्लॉग किया है तो मैं अनब्लॉग करवा सकता हूँ, यही से होता है सब. भैया ओके, सो ऑफिशियली एट द मेटा ऑफिस, हियर इट इज. एंड अभी अंदर इवेंट होगा तो वहाँ अंदर जाएंगे. Let's see कैसा होता है कैसा नहीं. On a scale of 1 to 100, do you love India? 150. Oh. Okay. They're like, that's not even a number on a scale. But okay, so how does it feel being here? And we get like right to questions. So number one, like Kala Chashma is an Indian song. Much of the content that you guys do is so rooted in Bollywood and Indian sensibility. So how does it feel to finally be here, full circle? Like, you know, you have to grab your moment. This was very important for us. We couldn't have done it if we didn't have so good management. Usman is here as well. Yeah. He lost his voice the first day in Mumbai. And
just go with the flow, have fun, the magic will happen, okay? Don't think I want to do something tomorrow. Just have fun, have patience, and let the magic happen. Make the fast omelet. Yeah. Make the fast omelet. Enjoy life. Enjoy life. It's very important. You know, every day is a success. You have to always remind you that I am successful today. You know, it's very important. Then everything else is bonus. We are done with the event and the photo session chal raha hai. So let's see our photos lege with the Quick Style gang. So yeah, main batata hu uske piche ka. Okay, so the event is almost done and अभी हम लोग photos वगैरह ले रहे हैं and then उसके बाद बाहर निकलेंगे and उससे जितना हुआ मैंने उतना दिखाया. So yeah, अभी जाते हैं बाहर and देखते हैं. So यहाँ पे जो है वो snacks वगैरह के arrangement है, मतलब arrange किया है हम लोगों के लिए. So yeah, right now I'm having a cookie. So voice थोड़ी कम आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं. So yeah. So yeah, back to home, back to normal life. And that's all. I hope you guys enjoyed this video. And अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मैं किसी इवेंट में गया. एंड ये इवेंट में मतलब इतने बड़े क्रिएटर्स नहीं आए थे, बट मैंने लास्ट टाइम जो इवेंट्स अटेंड किए हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आए थे. ये वाले इवेंट में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये पहला इवेंट था. एंड वहाँ पे जितने भी लोग मुझे मिल रहे थे वो मुझे बोल रहे थे कि दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट. एंड वहीं पे मैं साइड में काइंडली फीलिंग प्राउड, क्योंकि इससे पहले मैं 3 इवेंट अटेंड कर चुका हूँ. सो दिस इज़ बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट करते हो वो जस्ट इनसेन है. एंड आई होप आगे भी आप लोग करोगे. सो या आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो. इफ यू गाइज डिड, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर देना. सो या एम तो नहीं करूँगा कुछ, बट प्यार दिखा देना. सो See you guys at the next video. Till then, bye.